तो आज हम ट्राई करेंगे दिल्ली का सबसे फेमस फास्ट फूड जिस टाइम पे, वो है वड़ा पाव। तुझे कितना पसंद है? मुझे ठीक ठाक ही पसंद है ऑनेस्टली। मतलब लोग पागलों की तरह लाइनों में लगे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, वड़ा पाव के लिए जो दिल्ली में मतलब सही से बनाते भी नहीं लोग। बट आज हम आपको दिखाएंगे मतलब डिफरेंट टाइप के वड़ा पाव, एक क्लासिक वाला एंड जो थोड़ा हाइजीनिकली तरीके से प्रिपेयर हो। ठीक है, देखते हैं टेस्ट कैसा है, बट उसके लिए हमारे को पहले खाना पड़ेगा। सो लेट्स ईट। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड सबसे पहले हम किसका वड़ा पाव खाने वाले हैं भाई साहब, इसका प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। ओके, सबसे पहले हम खाने वाले हैं हल्दीराम का वड़ा पाव एंड इसका प्राइस है 40 रुपीज, मतलब 40 रुपए। ठीक है, तो ये हल्दीराम का वड़ा पाव मतलब जहां पर वड़ा पाव गर्ल पहले काम करती थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वही जगह। ठीक है, तो ये इनका वड़ा पाव एंड इसकी पैकेजिंग देख कैसी है। इसकी पैकेजिंग वैसे न्यूज़पेपर जैसी है ना। यस, हाँ, तो बड़ी अच्छी है। इसके ऊपर क्रॉसवर्ड भी, मतलब गेम्स भी खेल सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो अगर अवेलेबल हो तो। ठीक है, और ये देखने में मतलब ठीक ठाक दिखता है। नॉर्मल जैसे वड़ा पाव दिखता है वैसा ही दिख रहा है। हाँ, जैसा मतलब हम देखते हैं ना मुंबई का पैकेजिंग में आता है वैसे टाइप का। इसके ऊपर बन है जिसको इन्होंने टोस्ट किया हुआ, इसके अंदर एक वड़ा है, इसके अंदर जैसे हम ग्रीन चटनी मतलब जो पुदीने की चटनी होती है, और इसके अंदर वो गार्लिक चटनी भी है। तो पता ना कौन सी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब कुछ चीजें जो एक नॉर्मल मुंबई के वड़ा पाव में होती है, एक्सेप्ट जो बन होता है मुंबई का वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, वो यहाँ पर बस एक ही जगह पे मिलता है, बट उसका साइड करते हैं अभी हम टेस्ट देखेंगे। भाई साहब उठा लो आप। ठीक है, अब अंदर जो इसका वड़ा है ना मतलब वो ऐसा ठीक ठाक का, ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक का दिख रहा है, मतलब इतना बढ़िया नहीं दिख रहा, मतलब बहुत ही ज्यादा मशी टाइप के आ रहा है। ये बात है, मशी है, नॉर्मल बहुत मशी पोटैटोस है। लेट्स ट्राई दिस वन एंड देखते हैं इसका टेस्ट कैसा। लेट्स ट्राई दिस वन। वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा है एंड इसके साथ मिर्ची भी दी है, ऐसे मुंबई वगैरह में देते हैं। अब मैंने एक बार बस खाया हुआ असली वाला वड़ा पाव, वो भी एक रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो वो वाला ऐसा था, उसका टेस्ट मुझे अभी भी थोड़ा सा याद है। ये काफी मतलब जो उसका वड़े का टेस्ट है काफी सिमिलर है। ड्राई है मगर आई थिंक, बहुत ड्राई लग रहा है मुझे खाने में। नहीं, वड़ा पाव होता है एक ड्राई होता है। ठीक है, वड़ा पाव जो यूजुअली होता है ना मतलब थोड़ा सा ड्राई होता है, उसके साथ मतलब बाहर तो चटनी वगैरह नहीं देते थे, बट इसका टेस्ट अच्छा है। हाँ, टेस्ट नॉर्मल अच्छा है, स्पाइसी एंड पोटैटोस अभी खाने में ठीक लग रहे हैं, ऐसे मशी ज्यादा भी नहीं लग रहा है। वड़ा पाव जैसा ही लग रहा है। वड़ा पाव जैसा होता है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट जैसे वड़ा पाव का होता है वैसा इसका है, मतलब ऑथेंटिक टाइप का। मतलब डेली में इतने अच्छे वाले मिलते नहीं है, बढ़िया अच्छा है। अभी ट्राई करके देखते हैं दूसरे वाला वड़ा पाव, देखते हैं वो कहां से मंगवाया है, उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। लेट्स गो भाई, लेट्स ईट दैट वन। ओके सर, इट्स टाइम फॉर सेकंड वड़ा पाव वाला ब्रांड एंड इसका नाम क्या है, इसका प्राइस क्या, भाई साहब प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका मैंने मंगवाया है थियोब्रोमा से एंड इसका नाम है बेक्ड वड़ा पाव, जिसका प्राइस है 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो का मतलब जो मोटा है वो ये है कि मतलब आपको अलग अलग टाइप के वड़ा पाव दिखाएंगे। ठीक है, अभी थियोब्रोमा का अगर आपको नहीं पता तो एक बहुत फेमस बेकरी है एंड इसके अंदर बेसिकली है क्या, इन्होंने जो वड़ा पाव है ना उसको मतलब अलग तरीके से बनाया है। तो जो बन है वो बाहर है एंड इसके अंदर पोटैटोस हैं। ठीक है, और इसके अंदर मतलब मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, तो दिखाता हूँ। okay. इसके अंदर उन्होंने ना देखिए गार्लिक चटनी डाली हुई है, बहुत एक इनोवेटिव चीज लगी है मुझे। बहुत इनोवेटिव चीज है, मतलब डिफरेंट टाइप का मतलब एक वड़ा पाव है, ऑब्वियसली नॉट वड़ा पाव एक्जैक्टली बट समथिंग सिमिलर टू दैट। हो सकता है टेस्ट में एक्जैक्टली वैसा ही हो, बट हो सकता है टेस्ट में वैसा हो। ये मेरे पास थैला गुजार रही है। ठीक है भाई साहब, उठा लो आप, ये उठाओ भाई साहब, एंड मैं ये उठाता हूँ। अगर पोटैटो चाहिए तो आप ये ले सकते हो, आलू है बहुत। ठीक है, तो ये देखने में अच्छा है, काइंड ऑफ जैसे बंस होते हैं, यू नो स्टफ बंस होते हैं जैसे चिकन वाले, या फिर वो सब ट्राई करके देखते हैं। लेट्स ईट। फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर तो इसमें भाई है ही नहीं, और ना ही वड़ा पाव है। वड़ा पाव तो एक वड़ा पाव नहीं है, ये बन है, बट इन्होंने बोला वो है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें वड़ा पाव वाला टेस्ट होगा। अब अगर आपको वड़ा पाव असली वाला खाना है तो वड़ा पाव गर्ल के पास मिलता नहीं होता, मुझे नहीं पता क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया, बट जिस हिसाब से लाइन लगी मैंने जो लोगों का सुना था, कहते हैं बेकार है भाई, हम यहाँ पर क्यों आए उनको पता नहीं है। बट ये भी अजीब है भाई, ये अजीब है। ये जो आई थिंक वड़ा पाव गर्ल से टेस्टियर होगा वड़ा पाव, नो डाउट। ये आता कैसा है, इसमें बन का फ्लेवर ऐसा लग रहा है कि हम बर्गर खा रहे हैं जिसमें कोई आलू का फ्लेवर है नहीं, सिर्फ बन ही बन खाते रहे। मतलब ऐसा है कि जब कोरोना वायरस हुआ था ना, जब वो सिम्टम आया था कि मतलब लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये शायद से वो चीज है। आपको मुझे लग रहा है चेक करना क्योंकि मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा। Exactly. तो अभी हम ट्राई करेंगे हमारा लास्ट वड़ा पाव वाला ब्रांड एंड देखेंगे उन्होंने क्या बनाया। वो बड़ा मतलब अलग टाइप का, थोड़ा डाल देते हैं। आपने कभी ऐसा वड़ा पाव देखा होगा जो इस पैकेजिंग में आता हो। अब ये बड़ा एक अलग टाइप की चीज है और ये ना उन शेफ का है जो बड़े फेमस हो गए थे ना चीज के लिए, नमक शमक डाल देते हैं। ठीक है, बोले शेफ। अब इस वड़ा पाव को देखते हैं और ये वड़ा पाव देखने में वड़ा पाव जैसा दिखता तो है, दिख रहा है, हाँ उन्हें से दिख, बट ये ऐसा लग रहा है दही बल्ले। ठीक है, राइट, ये दही बल्ले ज्यादा लग रहे हैं, बट अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, इतना इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक फ्यूजन है। इसके अंदर चीज फोंडू सॉस है, मतलब चीज सॉस नीचे है, और इसके अंदर बेसिकली है क्या, इन्होंने मतलब जो भी पाव या ब्रेड ली है उसके स्टफिंग डाली है, फिर उसके ऊपर इन्होंने मतलब जो भी होता है बेसन वेसन होता है ना इसमें, मतलब वो फ्राई करते हैं जो आलू का बॉल होता है उसके, उसको इन्होंने इसके ऊपर लगाया, फिर इस पूरे चीज को फ्राई कर दिया। ओह, तो बेसिकली इनसाइड आउट है।
ट्राई करके देखते हैं, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई साहब। पकड़ो यार, आप एक अलग चीज है बहुत, ये ऐसा लग रहा है इडली है भाई, इडली लग रही है मेरे को। बहुत मेसी होगा, बहुत मेसी होगा, बट रोनाल्डो ठीक है, तो चीज सॉस लगा लेते हैं। बाइट किस तरफ से करें, चीज सॉस या चटनी की तरफ से? चीज सॉस दोनों। अच्छा, चटनी भी लगी हुई है? हाँ, दो साइड से। पहले चटनी खा के देखते हैं, खा के। नाइस, तो सही है। एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, इट गॉट लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस टू इट। एक बार चीज सॉस ट्राई करके देखते हैं, ये इन्होंने लिखा है फोंडू सॉस लिखा है। मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली दिस इज यू नो फ्यूजन काइंड ऑफ डिश, तो इसके अंदर इफ यू एक्सपेक्टिंग मतलब ऑथेंटिक वड़ा पाव वाले फ्लेवर्स, यू नॉट गोइंग टू गेट दोस, बट स्टिल ये फ्लेवरफुल तो है, ये अलग ही है। आई थिंक लाइक जैसे थियो ब्रोमा ने इनोवेशन करने की कोशिश की, वो कोशिश अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली। इन्होंने की एंड वो अच्छी निकली भी, एग्जीक्यूट भी अच्छे से किया इसको, बहुत टेस्टी है। और इसके जो पोटेटोस है ना, बहुत फ्लेवरफुल है, इवन बेटर देन हल्दीराम। नो डाउट, इजीली आई थिंक वड़ा पाव में भी ये बेस्ट है, इवन विदाउट द चीज सॉस एंड चटनी, उसके बिना भी अच्छा है। कॉन्सेप्ट अच्छा, मुझे लगा था कि मतलब ये बहुत ही मतलब एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज टाइप टेस्टिंग प्रोडक्ट होगा, बट वड़ा पाव जैसा टेस्ट भी करता है एंड इवन समथिंग बेटर देन दैट। एक्जेक्टली, ऑब्वियसली हमने असली वाला नहीं खाया, और यहाँ पर दिल्ली में जो भी मिलता है ना भाई, वो घंटा मतलब किसी का बाप नहीं बना सकता असली वड़ा पाव, मतलब मेरे लिए। बट आज की इस वीडियो में हमने आपको अलग अलग टाइप की वड़ा पाव दिखाया, अब ये डिपेंड करता है आपके आसपास अवेलेबल है या नहीं है, बट ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई उस लाइन में मतलब वो थोड़ी अच्छी चीजें मतलब खा लो, हाइजीनिक चीजें खा लो, ठीक है। मतलब वो यार थोड़ा अजीब ही यार, मतलब अब ट्रेंड आ गया तो ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया, मतलब कभी रो रही है कभी ठीक है, बट अगर आपको फिर भी खाना है तो खा लो, मैं कौन होता हूँ रोकना, ठीक है। अब खाना ही ऐसी चीज है तो खाओ, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। बट अगर आप इस वीडियो में से कोई भी अपने आसपास मिलता है और आप इस वीडियो को देख के कुछ खाना चाहते हो, देन हरपाल सिंह सुक्की का रेस्टोरेंट कारीगरी, ठीक है, इसका ये उल्टा वड़ा पाव, उल्टा वड़ा पाव बड़ा टेस्टी है, हमें अच्छा लगा, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, बट लोगों जाने से पहले वीडियो में क्या करना है, लोगों बता दो अपना लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आए और ऐसी नई नई वीडियोस देख सको। यस, ऐसी नई नई वीडियोस आप देख सको, ताकि आपको बार बार वड़ा पाव गर्ल की वीडियोस आपकी फीड में ना आए। री स्क्रॉल करो, हमेशा वही आते हैं, वही आएगा, या तो रो रही है, हंस रही है, या फिर कह रही है इतनी गरीब हूँ मैं जो इसको फेंकोगी, ठीक है। बट आज की वीडियो में कुछ लोग इसमें बता दिया, वीडियो में जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना।